हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एनजी निटिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टू कलर की बहुत ही प्यारी सी डिजाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों का स्वेटर, लेडीज कार्डिगन या बच्चों की फ्रॉक, बच्चों का कैप, बेबी ब्लैंकेट, किसी पर भी डालिए। ये डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा और ये फ्लावर फ्लावर वाला डिजाइन है। देखिए, जगह जगह फ्लावर बने हैं और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसके लिए हमने दो कलर की ऊन ली है, जो मेरा बेसिक कलर है वाइट कलर है, और ब्लू कलर से हमने इसमें फ्लावर डाले हैं। आप कोई भी दो कलर ले लें, एक डार्क और एक हल्का। इस डिजाइन में हमें 14 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और 7 फंदे इसमें हमें प्लस करने हैं। तो मैंने 14 के मल्टीपल में फंदे डाल लिए हैं और 7 फंदे इसमें प्लस कर लिए हैं। और देखिए, मैंने ये थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है, एक उल्टी और एक सीधी सिलाई का, और उसके बाद मैंने डिजाइन स्टार्ट किया है। तो इस डिजाइन को जिस तरह से मैंने यहाँ से फर्स्ट रो से डाला था, उसी तरह से मैं यहाँ से आपको फर्स्ट रो से डालकर दिखाऊंगी। ये टोटल 12 रो का डिजाइन है और 12 रो में बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए मैं आपको डालकर दिखाती हूँ कि इस डिजाइन को हमें किस तरीके से डालना है। तो यहाँ से हम फर्स्ट रो अपनी डिजाइन की स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट की थी। तो आइए हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो हमें किस तरीके से बनानी है, जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो बनाई थी, वैसे ही यहाँ से हम आपको फर्स्ट रो डालकर दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमारा बेसिक कलर, इस वाइट कलर को हम ले लेंगे। पहला फंदा आपकी मर्जी, उतारिए या बुनिए, इसमें हम कलर लगा रहे हैं तो हमें उतारना पड़ेगा। देखिए, एक फंदा, ये पूरी सिलाई हमें सीधी बनाकर कंप्लीट करनी है, इसे हम पूरा सीधा बना लेंगे। बॉर्डर के बाद हमें अपनी पहली सिलाई सीधी बनाकर इसी तरह से डिजाइन स्टार्ट करना है। इसी तरह से हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। पहली सिलाई हमें इस तरह से सीधी बनाते हुए अपनी कंप्लीट करनी है और इसी तरह से हम नीचे से इस डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सेकंड रो पर राउंड साइड से। देखिए, सेकंड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, इस तरह से धागा पीछे करेंगे और उल्टी साइड से हमें सीधी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करनी है। देखिए, ये हमारी दूसरी सिलाई है, इसे हमें सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो आइए हम इसे इसी तरह से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, दूसरी सिलाई हमने रॉन्ग साइड से पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम तीसरी सिलाई पर। देखिए, तीसरी सिलाई में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे वाला, और पूरी सिलाई हमें इस तरह से सीधी बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो आइए हम इसे पूरा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरी सिलाई हमने राइट साइड से पूरी सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब चौथी सिलाई में देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे
धागा पीछे करेंगे और इस सिलाई को भी सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए इसे हम पूरा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। चौथी सिलाई हमने रॉन्ग साइड से पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं अपनी पांचवी सिलाई पर। पांचवी सिलाई में देखिए हमें क्या करना है, यहां पर हम अपना कलर बदल लेंगे। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, इसके बाद हमें, ये हमारा पहला फंदा है, इसे हमें गिनती में नहीं लेना है। इसके बाद हमें पांच फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए ये पांच फंदे हमने बना लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें नौ फंदों पर अपना डिजाइन डालना है। तो देखिए नौ फंदों पर डिजाइन किस तरह से डालना है, देखिए इस फंदे पर हम तीन बार रोल कर अपनी ऊन लगाएंगे। देखिए एक दो और तीन, और इसे सीधा बना लेंगे। देखिए फिर एक दो और ये तीन, इस तरह से हमें नौ फंदे बनाने हैं, एक दो और ये तीन। देखिए एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन। देखिए इस तरह से एक दो और ये तीन। हम गिन लेते हैं अपने फंदे, हमारे फंदे नौ हो गए हैं क्या, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, ये हमारे आठ हो गए हैं। एक और, एक दो और ये तीन, ये हमारे नौ फंदे हैं, हम बुन लिया। इसके बाद हमें पांच फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, ये पांच फंदे हमने बना लिए हैं। इसके बाद हमें तीन फंदों पर फिर इसी तरह से डिजाइन डालना है, एक दो तीन, सॉरी नौ फंदों पर डिजाइन डालना है हमें, जिस तरह से हमने अभी डाला था वैसे ही, एक दो और ये तीन, 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 दो चार छः, एक दो और ये तीन, एक दो ये तीन, एक दो और ये तीन। आइए हम इन गिन लेते हैं कि आइए हमारे नौ हो गए हैं। यहाँ पर हमने पांच फंदे बुने थे, दो चार पांच, ये पांच हो गए। इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ हो गए हमारे, एक और बना लेते हैं, एक दो और ये तीन। देखिए ये हमारे नौ फंदे फिर बना लिए हमने, बाकी के पांच फंदे हमें सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, और ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा वाला। देखिए अब आते हैं हम डिजाइन की सिक्स रो पर। देखिए सिक्स रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे अपना और पांच फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए ये वाले, एक दो तीन चार और ये पांच। अब देखिए हमें क्या करना है, जो फंदे हमने ऊन जिन पर रोल की थी उन्हें हमें खोलना है। देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ। देखिए ये हमने नौ फंदे खोल लिए हैं अपने। अब हम इन नौ फंदों को इस सिलाई पर ले लेंगे, ये
ये हमने इस सलाई पर ले लिए अपने नौ फंदे, देखिए इस तरह से। अब हमें नौ फंदे के नौ फंदे बनाने हैं, तो देखिए क्या करेंगे हम। पहला फंदा हमने ये बुन लिया, एक फंदा बन गया, दूसरा ये दो बन गए, तीसरा हम बुन लेंगे, ये देखिए हमारे तीन फंदे हो गए, ये चौथा और ये पांचवा हमने बुन लिया, देखिए पांचवा, ये छठा फंदा हो गया और ये सातवा हमने बुन लिया, सातवा हमने बना लिया, ये आठ हो गए और ये नवा फंदा हम बना लेंगे। ये हमारे नौ फंदे बन गए हैं देखिए, और इसे इस तरह से छोड़ देंगे, छोड़ दिया इसे। अब हम पांच फंदे अपने उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, ये पांच फंदे हमने बना लिए। फिर हमें इन फंदों को खोलना है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ, देखिए नौ फंदे हमने खोल लिए हैं। अब इन नौ फंदों को हमें इस सलाई पर लेना है, देखिए इस सलाई पर ले लेंगे और नौ के नौ फंदे बना लेंगे। पहला फंदा ये बुन लिया हमने, ये दूसरा, ये तीसरा बना लिया, ये चौथा, ये पांचवा बुन लिया, ये छठवां और ये सातवां बुन लिया, ये आठवां और ये नौवां फंदा हमने बना लिया। तो देखिए हमारे नौ के नौ फंदे हो गए हैं, इसे छोड़ देंगे, आखिरी के पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच और ये आखिरी का फंदा हमारा एक्स्ट्रा वाला। तो हमारे डिजाइन की ये छठवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हमें क्या करना है, सातवीं रो को हमें, देखिए ये अपना दूसरा कलर लगाना है सातवीं रो में, और सातवीं रो को हमें फर्स्ट रो की तरह देखिए इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसे हमें फर्स्ट रो की तरह बनाना है, बिल्कुल जिस तरह से हमने फर्स्ट रो बनाई थी सीधी, उसी तरह से बनाएंगे। और ये जो फंदे हमने ये नौ के नौ बनाए हैं, इन्हें भी हमें एक एक करके सीधा ही बुनना है, देखिए इस तरह से इन्हें हम बुन लेंगे, देखिए इस तरह से। तो आइए हम इसे पूरा सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट रो की तरह। सेवेंथ रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम एट्थ रो पर। एट्थ रो में देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और एट्थ रो को हमें बिल्कुल सेकेंड रो की तरह सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो आइए हम इसे सेकेंड रो की तरह पूरा सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं रॉन्ग साइड से। देखिए एट्थ रो को हमने सेकेंड रो की तरह रॉन्ग साइड से पूरा सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम नाइन्थ रो पर। नाइन्थ रो में देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे और देखिए हमें इसे पूरा नाइन्थ रो को हमें पूरा थर्ड रो की तरह बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो आइए हम इसे पूरी थर्ड रो की तरह सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए नाइन्थ रो को हमने थर्ड रो की तरह बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम टेंथ रो पर। टेंथ रो में हमें देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और टेंथ रो को हमें फोर्थ रो की तरह पूरा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करना है। आइए हम टेंथ रो को फोर्थ रो की तरह पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए टेंथ रो को मैंने फोर्थ रो की तरह बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इलेवंथ रो पर। इलेवंथ रो में हमें देखिए क्या करना है, इसमें हम अपना कलर बदलेंगे और इसमें हमें अपने डिजाइन को सेट करना है। तो इसमें हम अपने डिजाइन को सेट करते हैं। देखिए डिजाइन उसी तरह से डालनी है, बस थोड़ा सा उसे सेट करना पड़ेगा। तो पहला फंदा सीधा बना लेंगे, देखिए इस तरह से पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सात फंदों पर हमें इस तरह से अपनी ऊन को रोल करके डिजाइन डालना है। देखिए एक दो तीन बार करना है इस तरह से,
और ये तीन और ये चार ये पांच फंदे हुए, एक दो तीन छह और ये सात, एक दो और ये तीन, ये हमने सात फंदे बना लिए। इसके बाद हमें पांच फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए ये पांच फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए दो फंदे हमारे इस वाले फ्लावर के रह गए हैं। देखिए ये दो और दो चार छह आठ और देखिए हम एक दो फंदे इस फ्लावर के ले लेंगे और ये नौ। तो ये फंदे हमारे, अब यहां पर हमें नौ फंदों पर अपना डिजाइन डालना है, एक दो तीन, एक दो और ये तीन, ये तीन फंदे हो गए, चार फंदे हो गए, पांच फंदे हो गए और छह फंदे हो गए हमारे, सात फंदे हो गए, ये आठ फंदे और ये नौ फंदे। देखिए अब हमें पांच फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हमें सात फंदों पर डिजाइन डालना है, दो चार छह और एक सात, सात फंदों पर हमें अपना डिजाइन डालना है, एक दो और ये तीन बार रोल करके देखिए, एक दो ये तीन, डिजाइन बिल्कुल उसी तरह से डालना है, बस डिजाइन को थोड़ा सा सेट करना था हमें, एक दो और ये तीन, 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 एक दो और ये तीन। देखिए एक फंदा हम अपना सीधा बना लेंगे। अब आते हैं हम डिजाइन की बारहवीं रो पर, और बारह रो में हमारा ये डिजाइन कंप्लीट है, क्योंकि सिक्स रो के बाद हमें अपना डिजाइन बदलना पड़ता है। देखिए पहला फंदा हम अपना ये बुन लेंगे उल्टा, चाहे तो ऐसे भी उतार सकते हैं। अब इन्हें हमें खोलना है सात फंदों को, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात। अब देखिए सातों फंदों को हमें इस सलाई पर लेना है और हमें सात के सात बनाना है, एक हमने बुन लिया, ये दूसरा, तीसरा हमने बना लिया, ये चौथा, पांचवा हमने बना लिया, ये छठवा और ये सातवां हमने बना लिया। ये हमारे सात फंदे हो गए, इसे छोड़ देंगे और पांच फंदे हम अपने उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब हमें यहां पर नौ फंदे खोलने हैं, क्योंकि हमने यहां पर नौ फंदों पर डिजाइन डाला था, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और देखिए नौ। हमें नौ के नौ फंदे बनाने हैं, जिस तरह से हमने पहले बनाए थे, इस सलाई पर ले लेंगे पूरे फंदे हम अपने। देखिए हमने ये ले लिए और नौ के नौ फंदे बनाने हैं हमें। देखिए पहला फंदा ये हमने बुन लिया, दूसरा, तीसरा बना लिया, चौथा, पांचवा बना लिया, देखिए छठवां और ये सातवां बना लिया, आठवां, आठवां और ये नौवां फंदा बना लिया। देखिए इस तरह से, और इन्हें छोड़ दिया। फिर पांच फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। अब देखिए यहां पे हमने सात फंदों पर डिजाइन डाला था, तो हमें सात फंदे खोलने हैं, एक दो तीन चार पांच छह और ये
सात और सात के सात फंदे हम बना लेंगे। देखिए ये हमें सात के सात फंदे, इन्हें इस सलाई पर चढ़ाएंगे और सात के सात फंदे बना लें। ये पहला बुन लिया, ये दूसरा, तीसरा बना लिया, ये चौथा, ये पांचवा बना लिया, ये छठवां और ये सातवां बना लिया। देखिए और एक फंदा हम अपना ये उल्टा बना लेंगे। देखिए ये हमारी पूरी 12 रो कंप्लीट हो गई हैं। देखिए और ये 12 रो में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर आता है। देखिए अब यहां से हमें फिर फर्स्ट रो हम अपनी रिपीट कर देंगे, बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह फर्स्ट रो बनेगी, सेकंड, फोर्थ और इसी तरह से हम 12 रो को बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगा। अगर आपको मेरी डिजाइन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिजाइन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।